हेलो एवरीवन, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको असाइनमेंट्स के बारे में बताया था कि आप लोगों को असाइनमेंट्स के बेस पे यहाँ पर शायद मार्क्स मिल सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि मंथ के एंडिंग में जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो फाइनली आपके सितंबर मंथ के जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो आ गए हैं। तो मैं अभी एक 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 करके आपको सारे पीडी मतलब सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल दे दिया है, मैं उसमें सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सारे पीडीएफ जो हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला, ये आपका सोशल का, ये आपके सोशल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपका, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनको लिखना है। ये आपके सोशल के क्वेश्चंस हो गए, देन ये आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं, ये आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं, देन ये रहे आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, इसके बाद में आपको इसको कंप्लीट करना होगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसके पीडीएफ्स को मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप पीडीएफ को भी ले सकते हैं। ये रहे आपके इंग्लिश के बाकी के क्वेश्चंस। देन अब यहाँ पर आपका मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये एक और पेज है आपका मैथ्स का। देन ये आपका साइंस के आपके क्वेश्चंस हैं, हिंदी में भी दिए गए हैं, इंग्लिश में भी दिए गए हैं, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी लिख पाएँ और इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स जो हैं वो लिख पाएँ। तो ये आपके साइंस के क्वेश्चंस हैं। ये एक और साइंस का पेज। नाउ अब लास्ट आपका सब्जेक्ट जो है संस्कृत, ये रहा। ये संस्कृत के सारे क्वेश्चंस हैं, मार्क्स भी इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑलरेडी। ये आपके संस्कृत के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस को, ये सारे सब्जेक्ट्स को आपको कर कर 10 तारीख के पहले, 10 तारीख के पहले आपको स्कूल पे सबमिट करना है इसको, ठीक है, ताकि टीचर्स जो हैं वो उनको चेक कर पाएँ और फिर आपके मार्क्स जो हैं वो ऑनलाइन फीड होंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इसको कर कर अपने क्वेश्चंस को लिख कर रखिए, चाहे आपके स्कूल से अभी तक कोई नोटिस आया हो या ना आया हो, आप इसको लिख के कंप्लीट रखिए, ताकि जब भी आपको नोटिस आए आप तुरंत ही इसको सबमिट करने जा सकें। थैंक यू।